हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे उम्मीदवारों ने अपना प्रचार भी तेज कर दिया है। इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रमेश पालरी ने महेंद्रगढ़ के गांव में जनसभा की। उनसे बात की हमारे सहयोगी ललित नारायण कानपाल ने। हरियाणा में चुनाव प्रचार तेजी से आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे वोटों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे उम्मीदवारों के प्रचार करने का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जननायक जनता पार्टी के महेंद्रगढ़ से उम्मीदवार राव रमेश पालड़ी जी, उनसे बात करते हैं। लेकिन मैं उससे पहले अपने कैमरामैन से कहूंगा, आज वो गागरवास पहुंचे हैं और यहां पर देखिए बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे और उनको यहां पर आज जो है केले और रसगुल्लों से भी तोला गया है। राव रमेश पालड़ी जी मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं। रमेश जी, ये क्या वजह है कि मतलब जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? ये गागड़वास बचिणे दो गांव, रोड के उस तरफ बचिणे गांव है, रोड के इस तरफ गागड़वास गांव। ये दोनों गांव वैसे भी मेरे अपने गांव, जब मैंने पीछे भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो इन्होंने मुझे उस टाइम भी जिताने का काम किया था। मैं जिस प्रकार से पिछले 15 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूँ, इस गाँव की बात नहीं, सुबह मैंने प्रोग्राम शुरू किए थे, रात को 10 बजे तक मेरे प्रोग्राम चलेंगे, क्योंकि आचार संहिता के मुताबिक 10 बजे बाद में माइक नहीं यूज कर सकते, तो 10 बजे तक हमारे प्रोग्राम चलेंगे। इसी प्रकार का जन समर्थन गांव-गांव में मिल रहा है। लोगों ने, इन दो आदमियों ने जो 40 साल इस महेंद्रगढ़ के खराब किए, लोगों ने एक बार मन बना लिया इस बार कि हम किसी भी सूरत में उन लोगों को नहीं बनाएंगे। और उनके सामने उनका जनसेवक ये फौजी राव रमेश पालड़ी है। हर आदमी आज ये कह रहा है कि आपने हमारी बहुत सेवा की, कहीं भी गांव में पूछ लेना, कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जिसके अंदर आपको बुजुर्ग नहीं मिलेंगे जिनकी मैंने आँख ना बनवाई हो, ऐसे आदमी नहीं मिलेंगे जिनका हमने इलाज नहीं करवाया, अनेकों बेरोजगार साथी मिलेंगे जिनको मैंने रोजगार दिया है, बहुत से जो साथी ऐसे हैं जो यहाँ पे मिल जाएंगे जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ। इसलिए जनता का था प्यार मिल रहा है और मैं ये मानता हूँ कि अब की बार उन दोनों आदमियों की जमानत जब्त करा के और अब की बार ये विधानसभा में जननायक जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह चाबी का, जो कि मेरा उसके अंदर मशीन में 8वें नंबर पे, उसको दबा करके भारी मतों से मुझे जिता करके यहाँ से भेजेंगे। रमेश जी, आपने जिक्र किया कि पूरे शहर का विकास नहीं हुआ, लेकिन जरा ये बताइए कि आखिर गांवों में क्या समस्या है सबसे बड़ी? कोई भी गाँव लगा लो, कोई भी शहर लगा लो, पंडित जी जीतने के बाद में आप पूछना इन लोगों, 5 साल तक गांव में धन्यवाद करने तक नहीं आए। जो विधायक जिसको जनता चुनती है, अगर वो जीत के धन्यवाद करने ना आए तो आप इससे अंदाजा लगा लो विकास कहाँ से करेगा। आप अगर लोगों के बीच में जाएंगे नहीं तो आपको लोगों की समस्या का क्या पता लगेगा और आप समाधान कैसे करेंगे? समाधान करने के लिए तो लोगों के बीच में जाना पड़ता है, वो जनता के बीच में नहीं गए, अब सिर्फ वोट मांगने के लिए आए हैं और जब वोट मांगने आए तो जनता ने भी उनको टाटा बाय बाय बोल दिया। एक मेरा सवाल आपसे और भी है कि आखिर आपने इन लोगों से क्या वादा किया है कि अगर ये आपको समर्थन देते हैं तो आप क्या करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ, जो ये हमारे जितने भी मेरे हल्के क्षेत्र के जो लोग हैं, मैंने इनसे ये कहा है कि हमारी सरकार बनने पर हम नौजवानों को रोजगार देंगे, कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, हमारे यहाँ कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है जिसकी वजह से लोगों के प्राण चले जाते हैं और लाखों रुपये गरीब आदमियों के खर्च होते हैं। मैंने इनसे कहा है, इन्होंने आशीर्वाद दिया कि इस महेंद्रगढ़ में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा, 36 बरादरी का कोई भी भाई हो फ्री में इलाज कराने का काम हम करेंगे। हमारे महेंद्रगढ़ में ब्लड बैंक भी नहीं है, अगर इन्होंने आशीर्वाद दिया तो महेंद्रगढ़ में एक ब्लड बैंक बनाने का भी काम करूंगा, 36 बरादरी का कोई भी भाई को जरूरत हो फ्री में ब्लड उपलब्ध कराने का भी काम करेंगे, कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे, गुंडागर्दी को खत्म करेंगे। कांग्रेस का जब राज था, दान सिंह जी जब यहाँ विधायक थे, हर गांव में आप पूछ लेना, हर गांव से भैंसे चोरी होती थी। मैंने इनको आश्वासन दिया कि अगर आप हमारी मदद करेंगे तो आराम से सोएंगे, यहाँ पे भैंस चोरी नहीं होने दूंगा। एक और है कि आपका संकल्प पत्र भी आने वाला है, घोषणा पत्र, क्या चीजें लेकर आ रहे हैं घोषणा पत्र में? हमारे घोषणा पत्र में सबसे पहली बात है जो बेरोजगार साथी हैं उनके लिए रोजगार। आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो हर घर से एक नौजवान को सरकारी नौकरी देंगे और उसके बाद में 75% प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन करने का काम करेंगे। अकेले हमारे इस गुड़गांव बेल्ट में 20 लाख नौकरियां हैं, हमारे क्षेत्र का एक भी नौजवान साथी बेरोजगार नहीं रहेगा। आज फार्म भरने के लिए 1000 रुपए की फीस लगती है,
हमारी सरकार बनने पर 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसके बाद कोई फीस नहीं लगेगी, और टेस्ट देने के लिए बच्चों को जो धक्का खाने पड़ते हैं बाहर जाने के लिए वो भी नहीं करना पड़ेगा। मेंदड़ जिले वालों का मेंदड़ के अंदर ही उनका एग्जाम होगा, और जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले नौजवान हैं उनको 10 अंक अलग से मिलेंगे, ये और कोई कर नहीं सकता। हमारा जो जिला मेंदड़ है ये नाम का जिला है, यहाँ पे जिला नहीं है, जिला तो नारनौल है। हमारा जिला बनने, हमारे सरकार बनने पर हम नारनौल को अलग जिला बनाने का काम करेंगे ताकि महेंद्रगढ़ जिला अस्तित्व में आ सके। हम लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, शुद्ध पानी की व्यवस्था करेंगे, 24 घंटे लाइट देंगे, गांव में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। तो कुल मिलाकर रमेश पालड़ी वादा कर रहे हैं कि अगर जनता ने उनको मौका दिया तो वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र का पूरा विकास हो, और करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब फैसला जनता को करना है कि आखिर 21 तारीख को वो किसे अपना उम्मीदवार चुनती है, इसका पता जो है 24 तारीख को ही चल पाएगा। कैमरा पर्सन अतुल के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़ महेंद्रगढ़।